अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैथ 101 का लेक्चर नंबर 32 और 33, जिसमें सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है इसका, फाइंड अ डेफिनेट इंटीग्रल इंडिकेटिंग द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बट डू नॉट इवेल्यूएट इट फर्दर। वो कहता है इसमें आप इंटीग्रल फाइंड करें, डेफिनेट इंटीग्रल से फाइंड करें, उसके आगे इसको आपने फर्दर इवेल्यूएट नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने इंटीग्रल फाइंड कर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन हैं, इसको इक्वेशन वन का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन टू का नाम देते हैं। देखें दोनों जो है वाई की वैल्यूज हैं, तो दोनों को मैं इक्वल रखता हूं। तो यहां पे लिखता हूं इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को मैं इक्वल रख लेता हूं। एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, ये वाले इसमें ऐड हो जाएंगे, ये वाले इसमें, दोनों के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं मिड टर्म ब्रेक करके, तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस एट एक्स प्लस एक्स माइनस एट, एट में से वन निकलेगा तो सेवन आ जाएगा और एट वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला एट आ जाएगा, ये फैक्टर बन गया इसके। अब दो हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं, पहले में से x कॉमन लिया बाकी बचेगा x माइनस एट, दूसरी में से प्लस वन कॉमन लिया बाकी बचेगा x माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, x माइनस एट दोनों जगह मौजूद है कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दोनों को अलग अलग हम क्या करते हैं जीरो के इक्वल रख लेते हैं। x माइनस एट इक्वल टू जीरो, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, माइनस एट है उस साइड पे जाएगा तो प्लस एट बन जाएगा, प्लस वन है उस साइड पे जाएगा तो माइनस वन बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, मींस के ये हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट्स आ गई हैं, ठीक है। तो अब हम इनको लिखेंगे कैसे, आप देखें यहां पे एस हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन, यानी कि इससे ग्रेटर देन और इक्वल है। और अब लिमिट्स कौन सी आ रही हैं, फॉर लिमिट्स एक्स है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एट, लेस देन इक्वल टू एट और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ये हमारे पास इसके लिमिट्स की कंडीशन बनेगी, यानी कि एट हमारे पास अपर लिमिट आ गई है, बड़ा नंबर है अपर लिमिट, और लोअर लिमिट माइनस वन क्योंकि छोटा नंबर ये आ रहा है। तो मैं इंटीग्रल लिखने लगा हूं एट माइनस वन, तो पहली हमारे पास कौन सी आ रही थी एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन लिखूंगा इंटीग्रल लिखने का, फिर हम माइनस का साइन लिखेंगे, बड़े में से छोटा लिखा करते हैं ना, तो ये हमारे पास है दूसरा, तो अब हम लिखेंगे वो वाला एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इंटू डी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा। उसने कहा था सिर्फ इंटीग्रल फाइंड करें और उसको आगे फर्दर आपने इवेल्यूएट नहीं करना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। दो इक्वेशन थी, हमने दोनों को इक्वल रख के हमने पहले लिमिट्स फाइंड की, लिमिट्स फाइंड करने के बाद हम इसकी दूसरी वैल्यूज की तरफ आगे। इसी तरह अब इसका क्वेश्चन नंबर टू है, वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय द कर्व्स, एरिया हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसकी कर्व्स उसने दी हुई है, वाई की एक कर्व है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई इज इक्वल टू एक्स, और उसने कुछ कहा है कि ये एरिया किन के बिटवीन है, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन बाय थ्री, यानी कि दोनों वैल्यूज उसने पहले से जो इसकी लिमिट्स थी वो पहले से इसने दे दी है। और जैसे मैंने बताया था कि दूसरे में से पहला माइनस करना है, तो इंटीग्रल कैसे लिखेंगे ये पहले देखते हैं। तो इंटीग्रल आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है, दूसरी इक्वेशन में से पहला हम माइनस करेंगे तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाई की एक्स है और पहली इक्वेशन हमारे पास एक्स क्यूब है, तो इंटीग्रल इसका कैसे आएगा, अपर लिमिट तो वन बाई थ्री आ रही है और लोअर लिमिट जीरो क्योंकि बड़ी और छोटी वैल्यू की बात हुई है यहाँ पे। तो पहली हमारे पास वैल्यू है एक्स माइनस, दूसरी वैल्यू है एक्स क्यूब, तो ये इसी तरह इक्वेशन लिखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन लेते हैं, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होती है एक्स फोर बाय फोर, और साथ में लिमिट है वन बाय थ्री एंड जीरो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा वन बाय टू, तो इसी तरह रखते हैं। अब
एक्स की जगह उसकी अपर लिमिट पुट कर रहा हूं पहले तो, बाय टू का उसके एक्स की जगह 1/4, एक्स की जगह आ जाएगा 1/3 की पावर 4 आ जाए। ये हमने अपर लिमिट पुट की, माइनस लो लिमिट क्या है 0, तो वो पूरे को 0 कर देगा। 1/2 यहां पे आ जाएगा 1/9 माइनस 1/4, 1/81 यही आ जाएगा। अब सारे को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आएगा 1/18 माइनस 1/324, एलसीएम आ जाएगा 324, बाकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ऊपर 17 बच जाएगा। तो जस्ट आपने याद रखना है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है दूसरे में से पहला हमने माइनस करके पहले तो इक्वेशन लिख दी वाई की, आपके पास दो दो कर्व्स होंगी, अगर तो वो लिमिट्स देता है तो ठीक है, अगर लिमिट्स नहीं देता तो दोनों इक्वेशंस को आपने इस तरह पहले इक्वेट करना है, इक्वल रखना है, और इक्वल रखने के बाद आप क्या करेंगे वहां से पहले लिमिट्स फाइंड करेंगे, लिमिट्स फाइंड करने के बाद आपने इंटीग्रल बना लेना है। अगर तो वो कहता है फर्दर डिवाइड इसको इवेल्युएट करें तो आप इसको सॉल्व करके आप एरिया निकाल सकते हो, अगर वो कहता है कि सॉल्व नहीं करें तो आपने यहां तक इसको रखना है। अब यहां पे वो कहता है एरिया फाइंड करना है तो एरिया के पहले तो इक्वेशन इंटीग्रल बनाया, इंटीग्रल बनाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें लिमिट पुट कर दिया, तो ये हमारे पास जो लास्ट में आंसर आएगा ये इसका एरिया आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक भी साथ ही कर लेते हैं जिसमें वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे हम इंटीग्रल्स में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्यूएट 0 to 5 उसकी लिमिट दे दिया 1 प्लस साइन 2t/2 dt। तो ये हमारे पास इंटीग्रल है, हम क्या करते हैं ये डिवाइजर हमारे पास दोनों का सेम डिवाइजर है तो दोनों के साथ अलग अलग पहले तो डिवाइड कर लेता हूं मैं, 1/2 प्लस साइन 2t/2 और साथ में आ जाएगा d into t। अब दोनों के साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई करता हूं, 0 into π 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर ही रखता हूं मैं 1 into d of t, प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर ही रखता हूं sin 2t into d of t। ये हमारे पास हमने इसकी लिमिट पुट कर ली। अब इंटू डी डी टी के लिहाज से हम ले रहे हैं ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हम यहां पे इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं 1/2, 1 की इंटीग्रेशन होती है टी आ जाएगी और प्लस 1/2। अब हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है और हम इसी तरह साइन का भी डेरिवेटिव ले लेंगे, साइन का सॉरी इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन, क्योंकि कॉस 2t होती है और जो हमारे पास इसका फंक्शन होता है उसका हम दोबारा से नीचे इसका डेरिवेटिव ले लिया करते हैं, तो इसका 2t का डेरिवेटिव 2 आता है तो 2 बाहर आ जाएगा। अब इसमें जो इसकी बनेगी हमारे पास इसकी लिमिट यह आ जाएगी, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट कर देते हैं 1/2 into 0 0 plus 1/4 cos 0 यह आ जाएगी। अब माइनस लो लिमिट इसमें पुट कर देते हैं 1/2 1/2 तो चलें यहां पे आ जाएगा, फिर आ जाएगी लो लिमिट आ जाएगी इसमें तो यहां पे आ जाएगी पाई प्लस 1/4 cos 2 पाई यही वैल्यूज आ जाएंगी। अब 1/2 यहां पे आ जाएगा 1/4 cos 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है प्लस माइनस 1/2 यहाँ पे आ गया पाई प्लस 1/4। अब जो हमारे पास cos 2 पाई होती है वो 1 के इक्वल होती है तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद cos 2 पाई इक्वल होता है 1 के तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 1/8 माइनस ये पाई बाई 2 बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस 1/4। आगे इस जस्ट आप इसको एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका नेक्स्ट जो था क्वेश्चन। अब इससे आगे एक और इसका क्वेश्चन है जो कि सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम जो है कैलकुलस का सेकंड जो थ्योरम है उसका एक क्वेश्चन है तो वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें तो उसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और वो कहता है चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस थ्योरम। तो आपने चेक भी करना है कि क्या ये सही इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था ये क्वेश्चन है d/dx ऑफ इंटीग्रेशन cos t into d ऑफ t, तो जैसे मैंने बताया था डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में उलट होते हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये कट के हमारे पास cos आ जाएगा। तो हमने प्रूव क्या करना है इसमें कि क्या ये आंसर cos ही आता है अगर इंटीग्रेशन लेने के बाद डेरिवेटिव लिया जाए तो इसका जो आंसर होता है वो क्या दोबारा से यही आता है, तो हम इसको प्रूव करेंगे।
तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इसकी लिमिट जो है वो लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट हमारे पास एक्स आ रही है, तो इससे लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब सेकंड हमारे पास अगर देखा जाए तो ये इक्वल टू आता है कॉस टी के, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस टी, यही आंसर आ जाएगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन इसकी पहले तो लेते हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन इसकी लूँ कॉस ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी, जो इक्वल होती है साइन टी के, और इसकी लिमिट आ रही है एक्स इंटू वन, लिमिट पुट करता हूँ इसमें तो लिमिट आ जाएगी साइन एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन वन, यही आती है हमारे पास, यानी कि फंक्शन जो हमारे पास है वो ये आ जाता है। अब वो कहता है कि इंटीग्रेशन लेने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर है, तो इसको चेक करते हैं। इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ अब चेक करने के लिए, साइन एक्स माइनस साइन वन, याद रखिएगा साइन एक्स में एक्स है तो ये वेरिएबल है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ऐसे ही है। और जो हमारे पास साइन वन है ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स विच इज इक्वल टू दिस वन, टी है और यहाँ पे वेरिएबल एक्स है क्योंकि हमने लिमिट पुट की हुई है। तो ये प्रूव हो गया कि सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम से ये हमारे पास जो आंसर आता है वो सेम वैसा ही आता है, और इसको हमने चेक भी करना था, ये हमने डेरिवेटिव लेके इसको चेक कर लिया। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी इसमें कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और ताकि उनको भी मैथ 101 में जो भी मसले पेश आ रहे हैं वो उनको हल कर सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।